Hello students, welcome to Chance to Retake. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the sixth part of your first biology chapter, which name is Fundamental Unit of Life or Cell. Student, आज हम लोग अपने इस जो चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अभी बहुत दिन तक पढ़ेंगे इसको, इससे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपका है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और उसके टोटल पाँच पार्ट को हम लोग ने खत्म कर दिया है, और ये सिक्स्थ पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सिक्स्थ पार्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको हम अपने पांचवे पार्ट के बारे में बता दें कि हम लोग लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, जिससे हम लोग को एक अंदाजा हो जाए, ये एक हम लोग जान पाए डेटा कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ने हैं, अप टू डेट हो जाए हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पांचवी पार्ट की हम बात करें तो फिफ्थ पार्ट में हम लोग बात किए थे डिफ्यूजन के बारे में, डिफ्यूजन क्या हुआ था, डिफ्यूजन के बारे में आपने पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या होता है। फिर हमने बात किया था ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में ही हम लोग बात किए थे तीन तरह के सॉल्यूशन के बारे में। पहला था आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बारे में हम लोग बात किए थे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग बात किए थे अपने तीसरे टॉपिक मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। अब इस मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट को ही हम लोग आगे लेके चलेंगे, और ये सब कुछ हमारा किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये सब कुछ हमारा रिलेटेड है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन से, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट से ही हमारा ये सारे टॉपिक रिलेटेड है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। और मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग दो तरह के हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम लोग फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और दूसरा पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये सब कुछ हमारा इस मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही क्या है, रिलेटेबल है। तो अब बातें करनी है हमको अपने इस मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के टाइप्स के बारे में। तो मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के टाइप्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो कल हम लोग यानी पिछले पार्ट में जो हम लोग अपने मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़े थे उसके बारे में बताएं कि मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता क्या है। देखिए, नॉर्मली जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, अपने कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो हमारा डिफ्यूजन है या हमारा ऑस्मोसिस है, इसके बेसिस पे सब्सटेंसेस को इन और आउट करता है, ठीक है। सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट होके और बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, या अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा आपका सब्सटेंसेस की मात्रा को ज्यादा हमको अंदर भेजना होता है, या कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके लिए हमको एक स्पेशल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है। और वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करता है, उस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पैसेज बना देता है, एक पाथ बना देता है, जिससे आपके कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो जो आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक स्पेशल पाथ बनाया, एक स्पेशल पैसेज बनाए, ये काम एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का होता है, और उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, परमेसिस कहते हैं। और ये कंप्लीट जो हमारा ट्रांसपोर्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर कोई आपका मूवमेंट हो रहा है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अलावा किसी की मर्जी से हो रहा है, और वो होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो उस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पैसेज क्रिएट करता है, एक पाथ क्रिएट करता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमेसिस के नाम से बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब ये जो मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके बेसिकली आपके दो टाइप होते हैं। पहला होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट,
पहला होगा आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे, और दूसरा होगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में जो आपका परमेस होते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपके मॉलिक्यूल को क्या करने के लिए, आपके मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके और अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो आपका जो भी मॉलिक्यूल है वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे, अपने कॉन्सेंट्रेशन के थ्योरी के बेसिस पे, जो वो डिफ्यूज करके हमारे बाहर से यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, और अगर उसमें ये परमेस क्या करता है, आपका असिस्ट करता है, हेल्प करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपका अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके खुद से चीजें जो है वो बाहर से अंदर नहीं जाती हैं, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे नहीं जाती हैं। जब भी सेल को मन करता है कि हमको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से कुछ चाहिए, तो वो सेल क्या करता है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से ले लेता है। ये फर्क नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन किधर का हाई है, किधर का लो है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को अपोज करना है, तो वो सेल एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के, एक्स्ट्रा आपका एनर्जी लगा के, और उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से सब्सटेंसेस को अपने सेल के अंदर डाल लेता है। एंड दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। देखिए, द एनर्जी इज सप्लाइड टू सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी जो है उसके अपोजिट नेचर से भी अगर सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में लेना है, अगर सेल को ऐसा लग रहा है कोई चीज ऐसा है जिसको हमको बाहर की दुनिया से अंदर लेना है, अगर वहां कॉन्सेंट्रेशन वाला थ्योरी नहीं भी अप्लाई हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के उसको बाहर से अंदर की तरफ ले लेते हैं। एंड दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल अलग है। किस मामले में आपका अलग है, कि आपका आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में किसी प्रकार का कोई एनर्जी जो है वो नहीं लगाना पड़ता है, कोई मेटाबॉलिक एनर्जी लगाना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किसको प्रमोट करता है, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या करता है, आपके डाउन हिल डायरेक्शन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को प्रमोट करता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि हमेशा जब भी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा, तब सब्सटेंसेस जो होंगे वो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ क्या करेंगे, आपके फ्लो करेंगे। इसलिए यहाँ पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में किसी प्रकार का कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से मतलब नहीं है। वो अगर उसको चाहिए हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सब्सटेंसेस को अंदर लाना है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करके, एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के, और वो सब्सटेंसेस को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में, अपने इंटरनल रीजन में क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, अब देखिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए कुछ और भी एग्जांपल्स आपके पास है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे एनिमल्स में जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज यानी कि डाइजेस्टेड फूड को कहाँ पे, आपके बॉडी के सेल्स में, किस लिए, ताकि वहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाए, आपका एनर्जी बनाए। तो ये बेसिकली आप लोग को ये पता होगा कि आप जो भी फूड इनटेक करते हो वो फूड जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेस्ट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेस्ट होता है तो वो ग्लूकोज में, एमिनो एसिड में, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में क्या होता है, चेंज होता है। और उस ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का विल्ली जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो आपके ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड कैपिलरीज को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और ब्लड स्ट्रीम जो है उस डाइजेस्टेड फूड को लेके कहां जाते हैं, सेल्स के पास। तो जब ये ब्लड स्ट्रीम उस डाइजेस्टेड फूड को सेल्स के पास लेके जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज को कहां लेके जा रहे हैं, सेल के पास लेके जा रहे हैं, तो उस वक्त इस ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आपका ब्लड में हाई होता है और आपके सेल में कम होता है। इसलिए ग्लूकोज के पास ये एबिलिटी होती है कि ग्लूकोज
कोच खुद भी क्या करता है, अपने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट होके और वो बाहर से अंदर की तरफ क्या कर सकता है, जा सकता है। लेकिन जो आपका कैरियर सिस्टम होता है यानी जो मेडिएटर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आपके यहाँ क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं, ताकि आपका जो रेट है जाने का, जो ग्लूकोज के बाहर से अंदर जाने का रेट है वो इंक्रीज हो जाए और ज्यादा मात्रा में और जल्दी जल्दी ग्लूकोज जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जा सके। इसके लिए आपका वहां मेडिएटर ट्रांसपोर्ट क्या करता है, अप्लाई होता है, यानी एक खास प्रकार का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अप्लाई होता है जो बाहर से अंदर की तरफ क्या करता है, उस ग्लूकोज को क्या करता है, सब सारे मॉलिक्यूल को छोड़ के उस ग्लूकोज को ही बाहर से अंदर की तरफ लेके आता है। तो यहां पे ग्लूकोज के पास भी एबिलिटी थी, क्योंकि ग्लूकोज इतना ना छोटा टूट गया था, इतना ना छोटे फॉर्म में टूटा हुआ है कि वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन फिर भी इस ग्लूकोज को हाई क्वांटिटी और इजीली तरीके से कम टाइम में बाहर से अंदर ले जाने के लिए वहां मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस ग्लूकोज को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी ब्लड में से सेल के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ रहा है, आपने समझा कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका क्या होता है। एक नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, नीचे देखिएगा कि मोस्ट एनिमल सेल्स रिक्वायर ए हाई इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस बाय द राइबोसोम्स एंड फॉर सर्टेन एंजाइमेटिक फंक्शन। कह रहा है कि आपका जो बहुत सारे आपके ऐसे एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए हाई रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि पोटेशियम आयन कहाँ यूज होता है, तो प्रोटीन के मेकिंग में, प्रोटीन के आपके ब्रेकडाउन में किसके द्वारा, राइबोसोम्स के द्वारा या कुछ एंजाइमेटिक फंक्शन में भी इस पोटेशियम आयन का यूज होता है। तो पोटेशियम आयन के इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका हाई रिक्वायर होता है। तो वो पोटेशियम आयन का इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई रिक्वायर्ड है तो जाहिर सी बात है ये सेल क्या करेगा, बाहर से क्या करेगा, अंदर की तरफ उस पोटेशियम आयन को लेगा। अब चाहे आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मेथड से ले या एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से लेके, लेकिन अगर एकदम नेसेसरी है कि पोटेशियम को लेना ही लेना है तो आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से अगर पोटेशियम नहीं भी आएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सेल क्या कर सकता है, उस पे एनर्जी अप्लाई करके और उस पोटेशियम आयन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या कर सकता है, ला सकता है। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू अभी अपने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या उसके अक्रॉस जो आपका मूवमेंट होता है उसी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपका आ गया नेक्स्ट टॉपिक इंडोसाइटोसिस। इंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, इनवार्ड, और साइटोसिस का मतलब होता है सेल, यानी कि हमारे सेल के अंदर अगर कोई सब्सटेंस आता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से निकल के हमारे सेल के अंदर आता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी इंडोसाइटोसिस इज द इंजेशन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज ए कलेक्टिव टर्म दैट डिस्क्राइब थ्री सिमिलर प्रोसेस। यानी कि किसी सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर से आपका कोई सब्सटेंस हमारे सेल के इंटरनल रीजन में इंजेस्ट करे, आए, इनटेक किया जाए, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये जो आपका इंडोसाइटोसिस है ये तीन अलग अलग प्रोसेस से आपका क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। और वो तीन प्रोसेस आपके होते हैं फैगोसाइटोसिस, पोटोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड। ये जो आपका पोटोसाइटोसिस है इसको हम लोग पिनोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं, ये आपका पिनोसाइटोसिस के नाम से भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपके इंडोसाइटोसिस के तीन अलग अलग प्रोसेस। पहला हो गया ये फैगोसाइटोसिस, दूसरा हो गया पोटो यानी पिनोसाइटोसिस, और तीसरा हो गया रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ठीक है। तो दिस प्रोसेसेस आर पाथवेज टू स्पेसिफिकली इंटरनलाइज सॉलिड पार्टिकल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयन एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली
all of them require energy, so they may be regarded as different forms of active transport. ये जो तीन आपके प्रोसेस है वो आपके अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में से हमारे सेल के अंदर लाने के प्रोसेस है, ठीक है। अब वो कौन कौन सा आपका सब्सटेंस हो सकता है, तो उसमें आपके कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, मे बी आपके कुछ सॉलिड पार्टिकल्स को जरूरत पड़ जाए तो सॉलिड पार्टिकल्स हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में से हमारे सेल के अंदर आए, हो सकता है कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो जाए, हो सकता है कि कुछ आयन हो जाए, हो सकता है कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो जाए, हो सकता है कि कोई फ्लूइड हो जाए, हो सकता है कि वाटर खुद हो जाए या कोई लिक्विड हो जाए, ठीक है। तो आपके इन सब सब्सटेंसेस को हमारे सेल के एक्सटर्नल रीजन में से या सेल के एक्सटर्नल एनवायरमेंट में से हमारे सेल के अंदर के रीजन में लाने का जो प्रोसेस है वो एंडोसाइटोसिस, और ये एंडोसाइटोसिस है जो ये तीन अलग अलग तरीके से किया जाता है। पहला हो गया फैगोसाइटोसिस, दूसरा पिनोसाइटोसिस या पोटोसाइटोसिस, और तीसरा रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब सबसे अच्छा पॉइंट यहां पे आपका दिया है कि ये इंडोसाइटोसिस जो होगा ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं होगा। ये इंडोसाइटोसिस जो होगा इसके लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और जब इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस को करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़े तब ये किस ट्रांसपोर्ट के लिए, किस ट्रांसपोर्ट में गिना जाएगा, ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काउंट होंगे। यानी कि ये जो आपका इंडोसाइटोसिस है, इस इंडोसाइटोसिस में ये जो तीन तरह के आपके क्या हैं प्रोसेस हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या आपका रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, ये तीनों आपके क्या होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के आपके एग्जांपल्स होंगे। यानी कि इन तीनों में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा अपने एक्सटर्नल रीजन के, अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट के सब्सटेंसेस को अंदर लाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम वन बाय वन करके इस इन फैगोसाइटोसिस, स्पिनोसाइटोसिस और आपके रिसेप्टर मेडिएटेड जो आपका है उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो आपका प्रोसेस है ये आपके लार्ज पार्टिकल्स या आपके सॉलिड पार्टिकल्स को अपने एक्सटर्नल रीजन में से इंटरनल यानी अंदर लाने का क्या है, प्रोसेस है। उसके लिए आपका किस प्रकार के ये होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये आपका कंप्लीट एक सेल है, ये क्या है बाबू, सेल है, और ये सेल है तो ये रहा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये इस सेल मेम्ब्रेन को मान लो कि इस सॉलिड सब्सटेंस की आवश्यकता पड़ गई, इस लार्ज मॉलिक्यूल्स का नीड हो गया। अब ये क्या करेगा सेल कि अपने सेल मेम्ब्रेन को, अपने सेल मेम्ब्रेन को इस सॉलिड सब्सटेंस के पास ले जाएगा और धीरे धीरे अपने सेल मेम्ब्रेन को दोनों तरफ से क्या करेगा, बढ़ाएगा, एक्सपेंड करेगा, और इस सेल मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से अपने इस सॉलिड सब्सटेंस को पूरी तरीके से अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इनक्लोज कर देगा। जब इनक्लोज कर देगा तो ये आपका क्या होंगे, ये सॉलिड सब्सटेंस एक वेसाइकल्स के फॉर्मेशन करते हुए इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे, और ये सेल मेम्ब्रेन उस वेसाइकल को अपने बॉडी में अपने अपने वॉल पे क्या करेगा, स्टिक करा लेगा। कुछ समय बाद ये आपका जो सॉलिड सब्सटेंस है इंक्लूडिंग एक वेसाइकल्स, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के वॉल को छोड़ देंगे और ये हमारे सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और अंदर आने के बाद क्या होंगे, इसका डाइजेशन हो जाएगा, और ये डाइजेशन कौन करेगा, तो लाइजोजोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो लाइजोजोम्स इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भेज के और ये जो सॉलिड सब्सटेंस है इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। जो ये आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये आपका परफेक्ट एग्जांपल किस पे अप्लाई हो सकता है, तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन आपको याद आ रहा होगा कि अमीबा जो कि आपका एक इरेगुलर शेप में होता है, लेकिन जब अमीबा के पास कोई आपका फूड मटेरियल आता है, मान लीजिए कि ये कोई फूड मटेरियल है, तो अमीबा वहां पे क्या करता है, अपने फूड मटेरियल के पास क्या करता है, अपने सेल मेम्ब्रेन यानी कि अपने स्यूडोपोडिया को इनलार्ज करता है, अपने सेल मेम्ब्रेन यानी कि अपने स्यूडोपोडिया को क्या करता है, इनलार्ज करता है, और उस फूड मटेरियल या उस सॉलिड पार्ट को कवर करता है।
कवर करने के बाद क्या करेगा, उसको एक वेसाइकल के फॉर्मेशन के साथ उसको अंदर की तरफ क्या करेगा, भेजेगा। अंदर जब ये जाएगा तो फिर लाइजोसोम्स उसमें क्या करेंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करेंगे और वो उस वेसाइकल के अंदर ही डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, फिर वो वेसाइकल ब्रेक होगा और साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली यही आपका प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस का, यानी जब कोई सॉलिड मटेरियल, जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल आपके सेल के एक्सटर्नल रीजन में से, आपके सेल के एक्सटर्नल आपके एनवायरनमेंट में से आपके सेल के अंदर की तरफ क्या किया जाए, लाया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका पिनोसाइटोसिस या फोटोसाइटोसिस। देखो फोटोसाइटोसिस का दूसरा नाम है पिनो, पिनोसाइटोसिस। अब पिनो का मतलब होता है, मान लो पिनो आप याद रखोगे, पिनो यानी पीना से, पिनो यानी कि पीना, पीना पीना यानी कि ड्रिंकिंग, पीना यानी कि ड्रिंकिंग, यानी कि ये जो फैगोसाइटोसिस होता है ये आपका सेल का ईटिंग प्रोसेस होता है, ये आपका ईटिंग खाने वाला प्रोसेस होता है। खाने वाला प्रोसेस का मतलब, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले रहा है, सॉलिड मॉलिक्यूल को ले रहा है, तो यानी कि वो खा रहा है। और ये जो आपका पिनोसाइटोसिस होता है ये पीने वाला प्रोसेस होता है, ड्रिंकिंग प्रोसेस होता है। कहने का मतलब है कि ये इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो क्षेत्र है, आपके सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो क्षेत्र है उसमें आपका फ्लूइड मटेरियल जो है, उसमें से फ्लूइड मटेरियल जो है वो बाहर से अंदर आएगा, वाटर मटेरियल जो है वो बाहर से क्या होगा, अंदर आएगा। प्रोसेस वही होगा कि जो भी आपके ये फ्लूइड मटेरियल होंगे उनके पास ये सेल मेम्ब्रेन जाएगा, एक आपका बाउंड्री बनाएगा, एक कवर बनाएगा, वो वेसाइकल का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उस सेल मेम्ब्रेन के, वो जो सेल मेम्ब्रेन है उस वेसाइकल को अपने अपने वाल पे स्टिक कराएगा अंदर की तरफ, फिर वो छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद वो वेसाइकल जो है वो हमारे सेल के अंदर आएंगे, और अंदर आने के बाद वो क्या हो जाएंगे, आपके पूरी तरीके से वो वेसाइकल टूटेगा और उसमें से वो फ्लूइड मटेरियल निकलेंगे और हमारे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो ये होता है पिनोसाइटोसिस यानी या आपका फोटोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट होता है आपका रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब ये क्या होता है समझिए, तो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस इज ए मैकेनिज्म फॉर सेलेक्टिव अपटेक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इन क्लैथरीन कोटेड पिट्स, बाइंडिंग ऑफ द लिजान टू द रिसेप्टर ऑन द सर्फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टिमुलेट इनवेगिनेशन ऑफ पिट्स। कह रहा है कि मतलब कि रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, यानी कि बड़े बड़े जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग लिगेंड्स के नाम से जानते हैं, उसको एब्जॉर्व करने के लिए, उसको आपका कैच करने के लिए कुछ रिसेप्टर आपके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं, जो फील करते हैं, और फील करने के बाद आपका जो क्लैथरीन कोटेड पिट का फॉर्मेशन करते हैं और वहां पे इनका एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे इनका क्या होता है, इंटेक किया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है। तो ये आपका होता है रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। मेन आपके ये दो होते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस यानी कि फोटोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये आपके इंडोसाइटोसिस के तीन क्या थे, आपके मेथड थे, जिसमें हम लोग ये समझे कि हमारा सफ्ट, कोई सफ्टांस जो है या कोई मटेरियल जो है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से कैसे हमारे सेल के इंटरनल रीजन में क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। ठीक है, और ये इंडोसाइटोसिस जो होते हैं इसके तीनों मेथड, चाहे वो फैगोसाइटोसिस हो, चाहे वो पिनोसाइटोसिस हो, और चाहे आपका ये रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस हो, इन तीनों, ये तीनों जो हैं ये ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करते हैं। यानी इन तीनों मेथड में आपको किसकी आवश्यकता होती है, तो इन तीनों मेथड में आपको कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी सप्लाई किया जाएगा, तभी ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से सब्सटेंसेस को अंदर क्या करेंगे, आपके इंजेस्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इंडोसाइटोसिस, जो कि हमारा मेन प्रोसेस है, और इसी का जो टाइप है फैगोसाइटोसिस, इनके बीच में डिफरेंस के बारे में, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले कि इंडोसाइटोसिस इज द इनटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्रॉपलेट्स, ठीक है, या मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो इंडोसाइटोसिस है वो आपका एक कंबाइंड प्रोसेस है, क्या क्या, चाहे वो आपका फ्लूइड हो, चाहे वो आपका ड्रॉपलेट्स हो, चाहे वो आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स हो, हर एक तरह के सब्सटेंसेस को इंटेक करने का क्या है, ये प्रोसेस है। लेकिन फैगोसाइटोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स को इंटेक करने का प्रोसेस है। ठीक है, चलो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवैकिनेट्स टू टेक अप द मटेरियल। इंडोसाइटोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेराव करता है मटेरियल को अंदर लेने के लिए, ठीक है। फैगोसाइटोसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रोज अराउंड द पार्टिकल एज स्यूरोपोडिया। और आपका फैगोसाइटोसिस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्यूरोपोडिया जैसा काम करता है और वो हमारे पार्टिकल के पास ग्रो कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, एक्सपेंड हो जाता है। नेक्स्ट है, इंडोसाइटोसिस इज ए न्यूट्रिटिव प्रोसेस, ठीक है। इंडोसाइटोसिस जो है वो आपका न्यूट्रिटिव प्रोसेस है, यानी कि न्यूट्रिएंट को इंटेक करने का, न्यूट्रिएंट को लेने का ये क्या है, प्रोसेस है। लेकिन हमारा फैगोसाइटोसिस जो है वो न्यूट्रिटिव के साथ साथ डिफेंसिव प्रोसेस भी है, ठीक है, न्यूट्रिटिव के साथ साथ डिफेंसिव प्रोसेस भी है। नेक्स्ट है, इंडोसाइटोटिक वेसाइकल्स आर ओनली 0.1 माइक्रोमीटर वाइड, बट फेगोसाइटोटिक वेसाइकल्स आर 1 to 2 माइक्रोमीटर और मोर वाइड। जो इंडोसाइटोटिक वेसिकल्स होते हैं या वेसाइकल्स होते हैं वो कितने चौड़े होते हैं, कितने आपका उनका साइज होता है, सिर्फ आपका 0.1 माइक्रोमीटर वाइड उनका साइज होता है। लेकिन जो फेगोसाइटोटिक वेसाइकल्स होते हैं इनका साइज जो है 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक का इनका विड्थ होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के बीच का एक डिफरेंस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। यानी कि अभी तक तो सिर्फ हम लोग सब्सटेंसेस को ले रहे थे, हम लोग सिर्फ सब्सटेंसेस को क्या कर रहे थे, ले रहे थे। अब हम लोग सब्सटेंसेस को बाहर निकालेंगे, यानी कि अपने सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, या जो भी सब्सटेंसेस हमारे सेल के अंदर नहीं होना चाहिए या उस सेल के अंदर से बाहर निकालना है, तो अब हम लोग इस प्रोसेस में एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी कि बाहर, आउटसाइड, और साइटोसिस का मतलब होता है सेल, यानी हमारे सेल के इंटरनल रीजन से, हमारे सेल के इंटरनल एरिया में से सब्सटेंसेस को बाहर निकालना, बाहर भेज देना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, जस्ट एज मटेरियल्स कैन बी ब्रॉट इन टू सेल बाई इनवेगिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ वेसाइकल्स, द मेम्ब्रेन ऑफ वेसाइकल कैन फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सट्रूड इट्स कंटेंट टू द सराउंडिंग मीडियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल वोमिटिंग और एक्सोसाइटोसिस। देखिए, जिस प्रकार से आपका जो भी आपके एक्सटर्नल रीजन के मटेरियल्स होते थे वो अंदर कैसे आते थे, अंदर आने के लिए वो क्या होता था, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते थे कि उसके चारों तरफ से घेराव करते थे, फिर एक वेसाइकल का फॉर्मेशन होता था, फिर वो आपके सेल मेम्ब्रेन में स्टिक होते थे, फिर सेल मेम्ब्रेन उनको छोड़ देता था तो वो सेल के अंदर चले जाते थे। इसी प्रकार से जो भी सब्सटेंसेस को सेल को बाहर निकालना होगा, सेल जिस भी सब्सटेंसेस को चाहता है कि वो बाहर निकाल दे, पहले तो वो सेल के अंदर क्या होगा, वो सब्सटेंसेस इकट्ठा होंगे, कलेक्ट होंगे, फिर उनके चारों तरफ एक वेसाइकल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, वेसाइकल का। अब ये वेसाइकल जाएगा और सेल मेम्ब्रेन को टच या सेल मेम्ब्रेन के संपर्क में जाएगा, यानी सेल मेम्ब्रेन से स्टिक हो जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, उस अपने आप को ब्रेक करके, अपने आप को रिड्यूस करके, और उस कंप्लीट वेसाइकल के अंदर से वो सारे वेस्ट मटेरियल को, वो सारे हार्मोन को, एंजाइम के, जो भी निकलना चाहते हैं उनको बाहर निकाल देगा, उनको सेल के एरिया से बाहर कर देगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल वोमिटिंग या एक्सोसाइटोसिस। सेल वोमिटिंग यानी सेल का वोमिटिंग करना, यानी सेल अपने अंदर से कुछ बाहर निकाल रहा है, तो इसी को हम लोग सेल वोमिटिंग या सेल एक्सोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ये एक्सोसाइटोसिस होता है ये आपका किस लिए होता है, तो एक्सोसाइटोसिस जो आपका होता है वेरियस सेल में, पहली बात तो वो आपका अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज ऑफ सब्सटेंसेस ब्रॉट इन बाय इंडोसाइटोसिस को बाहर निकालने के लिए होता है। इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से जो भी सब्सटेंसेस अंदर आए हैं और अंदर आने के बाद वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हमारे साइटोप्लाज्म में, तो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाए या एब्जॉर्ब नहीं हो पाए तो फिर वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में आपका बन जाएंगे। तो इस वेस्ट मटेरियल को या अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर निकालने के लिए ये एक्सोसाइटोसिस होता है या सेल वोमिटिंग होता है। दूसरा, सेक्रेट सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है,
आपके सेल के अंदर हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, आपके सेल के अंदर एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, और उसको आपको बाहर निकालना है, आपके ब्लड को देना है ताकि वो वेरियस फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो आपके सेल के अंदर से हार्मोन्स को, एंजाइम्स को बाहर निकालने के लिए भी ये एक्सोसाइटोसिस का ही प्रोसेस होता है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट ए सब्सटेंस कंप्लीटली अक्रॉस ए सेलुलर बैरियर। फॉर एग्जाम्पल, ए सब्सटेंस may be picked up on one side of the wall of blood vessel by phagocytosis, moved across the cell and released by exocytosis. यानी कि कोई सब्सटेंस अगर फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से अंदर आ गया है, हमारे सेल के अंदर आ गया है, तो उस सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए भी हम लोग एंडोसाइटोसिस का ही क्या करते हैं, प्रोसेस लगाते हैं। अब देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस the undigested waste containing food vacuole or the secretory vesicles budded from a Golgi apparatus is first moved by cytoskeleton from the interior of the cell to the surface. The vesicle membrane comes in contact with the plasma membrane. The lipid molecules of the two bilayer rearrange themselves and two membranes are thus fused. A process is formed in the fused membrane and vesicle discharge its content. कह रहा है कि जो भी सब्सटेंस को आपको बाहर निकालना है, मान लीजिए कि आपको अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना है, किसको बाहर निकालना है, आपको अनडाइजेस्टेड वेस्ट कंटेनिंग फूड को क्या करना है, बाहर निकालना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपका एक अपने चारों तरफ वैक्यूल क्रिएट करेगा, यानी आपके चारों तरफ एक वेसाइकल क्रिएट करेगा, ठीक है, किसके हेल्प से, गोल्गी एपरेटस के हेल्प से, ठीक है, गोल्गी एपरेटस जो आपके सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसके हेल्प से क्या होगा, एक वेसाइकल को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, अपने चारों तरफ एक वेसाइकल को क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो वेसाइकल जो होगा उस वेस्ट मटेरियल को लेके जाएगा कहां पे, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास, और वहां जाने के बाद जो सेल मेम्ब्रेन की जो आपके फॉस्फोलिपिड लेयर होते हैं, जो आपके बाई लेयर होते हैं, वो बाई लेयर एक पार्टिकुलर जगह पे डिफ्यूज होंगे, और डिफ्यूज होने के बाद एक पैसेज क्रिएट करेंगे, एक पाथ क्रिएट करेंगे, और उस पाथ के थ्रू ये वेसाइकल जो अपने वेस्ट मटेरियल को कंटेन किया है वो क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा, उस पाथ के थ्रू उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल हम दिए हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए ये क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये हो गया हमारा इंटरनल रीजन, ये क्या हो गया, इंटरनल रीजन, हमारे सेल का क्या हो गया, इंटरनल रीजन हो गया। अब मान लीजिए कि ये आपके क्या है, सेल के सेक्रेशन, यानी सेल इनको सेक्रेट करना चाहता है, यानी ये हमारे वेस्ट मटेरियल है, तो आपका इनके चारों तरफ एक आपका वेसाइकल का फॉर्मेशन होगा। देखिए, एक वेसाइकल का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपके साइटोसोल है, यानी हमारे साइटोप्लाज्म की ग्राउंड सरफेस है जिससे हमारा साइटोप्लाज्म बना होता है, तो ये वेसाइकल अब क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टिक हो जाएगा। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हुआ, यहाँ पे आके सट गया है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टिक हुआ है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां पे सटेगा वहां पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, इसका जो लेयर होंगे, इसके लिपिड लेयर जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होके एक पाथ क्रिएट कर देंगे। अब जैसे एक पाथ क्रिएट करेंगे तो अंदर के जो भी आपके वेस्ट मटेरियल होंगे वो इस पाथ के थ्रू क्या हो जाएंगे, देख लो कि ये बाहर निकल जाएगा। यही आपका प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में हम आपको यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट हुआ बाबू, उसमें आप लोग क्या क्या पढ़े, तो उसमें आप लोग डिफ्यूजन पढ़ लिए, उसमें आप लोग ऑस्मोसिस पढ़ लिए, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन पढ़े, हाइपोटोनिक सोल्यूशन पढ़ लिए, आइसोटोनिक सोल्यूशन पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़े मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में। मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में आपने दो तरह का ट्रांसपोर्ट देखा, पहला था आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और दूसरा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और दूसरा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आपने बात किया इंडोसाइटोसिस का,
इंडोसाइटोसिस में आपने बात किया फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट में बात किया एक्सोसाइटोसिस के बारे में, एक्सोसाइटोसिस के बारे में। तो ये यहाँ पे आके ये कंप्लीट आपका सेल मेम्ब्रेन का जो मूवमेंट वाला प्रॉपर्टी होता है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आपके सब्सटेंसेस के मूवमेंट होते हैं, यहाँ पे क्या हुआ आके आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको हम आपके सेल के सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, यानी सेल वॉल के बारे में पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।